तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर की, वो है राष्ट्रपति चुनाव की। आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसीलिए आज सुबह 11 बजे से मतपत्रों की गिनती यानी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों से आए बैलेट बॉक्स से मतपत्रों की सबसे पहले गिनती होगी। आपको ये भी बता दें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। आज होने वाली काउंटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, और 4 से 5 बजे के बीच में आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव को किसने जीता है। इस महामुकाबला को जीत कर कौन आखिर बना है देश का राष्ट्रपति, आज शाम तक आपको ये पता चलेगा। सबसे पहले 11 बजे से जो बैलेट बॉक्स अलग अलग राज्यों से आए हैं उनसे गिनती शुरू की जाएगी और सुबह 11 बजे से ये काउंटिंग शुरू होने वाली है। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, बहुत अहम दिन है आज देश के लिए, एक एक जन के लिए। अलग अलग राज्यों से जो बैलेट बॉक्स आए हैं उनकी काउंटिंग सबसे पहले होगी। एनडीए की तरफ से जैसा कि आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि चांसेस जो हैं सिन्हा वो द्रौपदी मुर्मू के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के वोट महत्व को देखें, उस गणित को देखें, तो उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू विजेता लग रही हैं, लेकिन शाम तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, ये औपचारिकताएं हैं और देखना ये होगा काउंटिंग 11 बजे के बाद शाम तक अनाउंसमेंट और किस तरीके के जश्न और खुशी की तैयारियां हो चुकी होंगी, वो कैसी तस्वीरें होती उन पर निगाहें हैं। तो देखिए कौन बनेगा देश का नया राष्ट्रपति, आज ये तय हो जाएगा। तमाम राज्यों से आए बैलेट बॉक्स में जो मत पत्र हैं उसमें वरीयता के आधार पर जब चुनाव होता है तो कौन जीतेगा ये तय हो जाएगा। तो रायसीना की जंग कौन जीतेगा, आज शाम तक नतीजे आ जाएंगे, ये साफ हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।